श्रेष्ठतम कर्मों की कसौटी, और उस कसौटी को फिर से अंतिम समय में याद करने का संदेश परमपिता परमात्मा दे रहे हैं। तो मनुष्य कर्मों को कैसे करेगा? श्रेष्ठतम कर्म का संपादन करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं के बारे में इस मंत्र में संदेश दिया गया है। इस मंत्र का पहला शब्द है ईशे, ओम ईशे त्वोर्जे। ईश, ईश माने मोटी भाषा में यदि कह दें तो ईश माने इच्छा। इच्छा जो शब्द है यह ईश से ही बना है। आप कर्मों को करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आप यहां मंदिर में सत्संग में आए हैं, प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपने इच्छा प्रकट की है मन में, आपके मन में सबसे पहले इच्छा पैदा हुई है। तो कर्मों को करने के लिए भले ही आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, श्रेष्ठतम कर्म करें या निकृष्ट कर्म करें, कोई भी कर्म करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यदि कोई है तो वो है इच्छा। इसलिए वेद मंत्र कहता है इसे त्वोर्जे, इसे त्वा ऊर्जे त्वा। इच्छा के बाद दूसरी जो आवश्यकता है वो है शक्ति की, क्षमता की, ऊर्जा की, बल की। इश माने इच्छा, गति, वेग, सुख, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहां इसका मतलब है सुख, इच्छा, गति और वेग। हम जो कुछ भी इच्छाएं करते हैं वो किस लिए करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका एक अर्थ क्या है? इच्छा। दूसरा अर्थ क्या है? सुख। तीसरा अर्थ क्या है? गति। और चौथा अर्थ क्या है? वेग। सुख प्राप्त करने के लिए हम इच्छा करते हैं और उस इच्छा के अनुसार हम गतिविधियां करते हैं और उसके अनुसार हमारे जीवन में हमारा वेग बनता है, गति और प्रगति बनती है। तो वेद मंत्र कह रहा है इसे त्वा, श्रेष्ठतम कर्मों को करने के लिए सबसे पहले इच्छा का संपादन करना होगा, उसके बाद ऊर्जे त्वा, बल का संपादन करना होगा, क्षमता में वृद्धि करनी होगी, पराक्रम को प्राप्त करना होगा। कोई भी श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए दो चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है, इच्छा और क्षमता। किसी भी व्यक्ति में श्रेष्ठतम कर्म करने की इच्छा तो है, किसी व्यक्ति में दान देने की इच्छा तो है, परंतु क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो दान नहीं दे पाएगा। कोई भी कार्य बिना क्षमता के केवल इच्छा मात्र से नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति की कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता तो है, क्षमता है, सामर्थ्य है, बल भी है, परंतु श्रेष्ठ कार्य करने की उसकी इच्छा ही नहीं है,
तो क्षमता मात्र से भी कार्य का संपादन नहीं हो पाएगा। कार्य का संपादन करने के लिए ईश और ऊर्जा, इच्छा और क्षमता दोनों का होना अनिवार्य है। इच्छा के लिए और क्षमता के लिए, ऊर्जा की वृद्धि के लिए, हे मनुष्य तुमको मैं प्रेरित करता हूं। वायु को वायु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गति करती है। भौतिक वायु, भौतिक वायु गति करती है, बहती है, इसलिए इसको वायु कहते हैं। आत्मा को वायु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी गति करती है। आत्मा का अर्थ ही क्या है? अत सातत्य गमने, जो निरंतर गति कर रहा है, जो निरंतर प्रगति कर रहा है, जो कभी ठहरता ही नहीं है, इसलिए आत्मा को भी वायु कहा गया। तो ए वायु, ए मनुष्य, तुमको श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम कर्मों को करने के लिए मैं तुम्हें इच्छा और क्षमता की प्रेरणा करता हूं। मैं कौन? जो इस वेद माता का उपदेश कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा, जिसे इस मंत्र में सविता कहा गया है। सविता किसे कहते हैं? प्रेरणा देने वाले को। सूर्य को भी सविता कहते हैं। सूर्य को सविता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्राणियों को उठ जाने की प्रेरणा करता है। प्रातः जब सूर्य उदय होता है तो प्राणियों को उठ जाने की प्रेरणा हो जाती है। पशु पक्षी भी चहचहाने लगते हैं और सब मनुष्य अपनी गतिविधियां सूर्योदय होने के साथ आरंभ कर देते हैं, क्योंकि सूर्य प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में हमारे माता पिता, गुरुजन, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो भी सविता हैं, उन्हें भी सविता कहते हैं। और सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को प्रेरणा देने वाला हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्,